नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। जितने भी छात्र KVS के परीक्षार्थी हैं उनके लिए एक और काफ़ी बड़ी अपडेट आयोग ने जारी कर दी है। आप सभी के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे भी KVS परीक्षा से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुँचाई जाती रहे। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने BEd एग्जाम 2023 को अटैम्प्ट करना है उत्तर प्रदेश के, तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन ने लॉन्च कर दिए BEd की संपूर्ण स्टडी गाइड बुक। इसमें आप लोगों को 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के व्याख्या सहित हल दिए गए। ये पुस्तक आपको हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ रिजल्ट प्रोवाइड कराएगी। एग्जाम ओरिएंटेड टारगेटेड कंसाइज बुक लॉन्च हो चुकी है, तो आप लोग इसका लाभ जरूर उठाइए। इसके साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन ने अपने प्रैक्टिस सेट्स भी लॉन्च कर दिए, तो आप लोग इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल कराई गई है, आप लोग नज़दीकी स्टोर से भी जाके बाय कर सकते हैं। एक और काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सामने, KVS TGT PGT के एग्जाम पर काफ़ी बड़ा स्कैम सामने आ रहा है। केंद्रीय विद्यालय परीक्षा में कंप्यूटर हैक कर हो रही थी धांधली। आपको बता दें सॉल्वर गैंग के 21 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, तो ये एक और काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पे KVS के एग्जाम में सामने आता हुआ। जैसा कि पहले भी अपडेट आ रही थी कि UPSTF की टीम लगातार छापे मार रही है, कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इतने बड़ा लेवल पर एग्जाम हो रहा है KVS का। इस बार काफ़ी ज़्यादा पद हैं इस बार, और जिसके चलते इस बार धांधली होने के पूरे संभावनाएं जताई जा रही थी। वहीं काफ़ी बड़ी अपडेट, 15-15 लाख में पेपर सॉल्व कराने का गैंग यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। वहीं बात कर लेते हैं आप सभी के कट ऑफ और रिजल्ट की, तो अपडेट के अनुसार आप सभी का रिजल्ट और कट ऑफ मार्च के मिड में यानी कि 15 और 20 मार्च के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अब साथ ही साथ इस बार आप लोगों को बता दें कम कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस बार आप लोगों की कट ऑफ गिरने का मुख्य कारण पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ एब्सेंटी भी इस बार काफ़ी ज़्यादा KVS के छात्रों की एग्ज़ाम में देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, और साथ ही साथ इस बार पदों की संख्या भी 20,000 प्लस की जा सकती है। एक और काफ़ी बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा है KVS।